मैं क्या बोलूँ, मेरी बीवी को एजेंट धोखा दे के सऊदी लेके गए, काम हॉस्पिटल के काम में बोल के लेके गए। एक दो एजेंट है, एक हाजी है नो सिकंदराबाद में रहते हैं, उन्होंने है ना फरीद से मिला है, टांडूर में रहता फरीद से मिला के है ना, उन्होंने है ना पासपोर्ट बनाए, उन्होंने वीज़ा लगाए, धोखे से हॉस्पिटल के काम में बोल के लेके गए, हॉस्पिटल में काम में बोल के लेके गए। फिर उधर सऊदी में अभा बोल के एक स्टेट है, अभा में लेके जाके घर में काम करा रहे। वो घर में ऐसा है कि 25-30 जने हैं, 25-30 जनों का काम करा रहे, और काम कराए तो मार रहे, खाना भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं, और कुछ बीमार रहे तो हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा रहे। बालाजी नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दिए, उन्होंने पुलिस वाले कंप्लेंट ले लिया हमारा। फिर उनको एजेंटों को ढूंढ रहे, पर एजेंट हम मिल रहे नहीं। तो इसलिए है ना मैं सुषमा शिवराज से, मैडम से अपील करता हूँ कि हमारी बीवी को जल्द से जल्द बुलाने की कोशिश करे। बाहर गई बच्ची, मगर बहुत सता रहे बच्ची को, खाने को नहीं दे रहे, मार रहे, काम कर रहे फिर नहीं कर रहे, बोल रहे मार रहे। सुषमा तो मैडम से मेरा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मेरे पर रहम करो, मेरे बच्चे नहीं है, कोई नहीं है, दो ही बच्चियां हैं, उसके वजह से मेरे को जीने का है, देखने का है बच्चों को, मेरे बच्चे को बुला लो, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।